नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं शंकर दत्त पंत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो चारों तरफ चर्चा होने लगी। एक शख्स की नाम है जॉर्ज सोरोस। इस शख्स ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ऐसा क्या कहा था जिससे वो बीजेपी के निशाने पर आ गए, और स्मृति ईरानी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई आरोप लगाते हुए कह दिया कि विदेशी धरती से भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे को हिलाने का प्रयास किया जा रहा है। स्मृति ने बिना लाग लपेट के सीधी बात कह दी कि जॉर्ज सोरोस ने भारत के लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश की और विदेशों में भारत को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। जरा आप भी सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा जिसमें जॉर्ज सोरोस का किस्सा स्मृति ईरानी ने सुनाया। लोकतांत्रिक ढांचे में हस्तक्षेप करने का ऐलान करने वाले जॉर्ज सोरोस को एक स्वर में हम जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी जॉर्ज सोरोस पर जमकर भड़ास निकाली। सिरसा ने कहा, इंग्लैंड के बैंक को गिराने वाला जॉर्ज हमारे लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करना चाहता है। भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले ऐसे शख्स पर हम खुलकर विरोध करते हैं। जॉर्ज सोरोस, जिसको अक्सर कहा जाता था मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड, जिस आदमी ने अपने पैसे की लालसा में एक मुल्क की करेंसी तक को नीचे ला दिया, ऐसे आदमी ने अब भारत के ऊपर हमला किया है। जॉर्ज सोरोस का ये कहना कि मैं मोदी को झुकाकर छोड़ूंगा, कि लोकतंत्र में चुनी हुई एक सरकार को चोट पहुंचाने के बराबर है, ये विरोध मोदी का नहीं, ये विरोध हमारे देश के प्रधानमंत्री का नहीं, ये विरोध या झुकाने की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी की नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र ढांचे को हिलाने की बात। जिस जॉर्ज सोरोस पर इतना हंगामा मचा है, अब आपको बताते हैं कि आखिर ये शख्स है कौन। सोरोस का जन्म 12 अगस्त 1930 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। हालांकि वो खुद को दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, उन पर दुनिया के कई देशों की राजनीति और समाज को प्रभावित करने का एजेंडा चलाने का आरोप लगता रहा है। उन पर दुनिया को कई देशों में कारोबार और समाज सेवा की आड़ लेकर पैसे के जोर पर वहां की राजनीति में दखल देने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। उनके ऊपर कई देशों में चुनावों को प्रभावित करने के लिए खुलकर भारी भरकम फंडिंग के भी बड़े आरोप लगे हैं। यही कारण है कि यूरोप और अरब के कई देशों में सोरोस की संस्थाओं पर भारी जुर्माना लगाकर पाबंदी लगा दी गई है। जॉर्ज सोरोस ने 2004 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश को अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए भारी चंदा देने का आरोप लगा। जॉर्ज सोरोस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी के बाद अब भारत में बवाल बढ़ गया है। अब सवाल है, क्या पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए विदेशी फंडिंग हो रही है? इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।